अभिषेक करे। भास्वत पादन के इंदवा प्रवचनाम बोधी इंदवा हिसाय नाम ये सर्वे जिनसे दिशे उरनुकता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जने से पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध प्रतिमलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाधिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मा सूचि सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं नाभेयादि जिनाधिपार्श्व भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसादशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुरवंतु मे मंगलम देव्यो शोच दयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काशिदन का यक्षा से यक्षसदा द्वात्रिंशत्य दशाधिपासिसुरा दिक्कन्न का चाषदा दिक्पाला दश्वेतिमी सुरगणा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम ये सर्वौषध विद्यासतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला योशो विधाश्चारणा पंच ज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पतिमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सद्दिनपते सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरभ्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु इस्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे दिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता पर निष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानिचता पंच सततम कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम इत्थम श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याण यु महोत्सवे सुदय तीर्थंकराणाम उत्साह ये षडवंति पढ़ंति तय सुदिनय धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी रौनाही पावन तीर्थ यहाँ पर पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में कल भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं तप कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रथ यात्रा निकाली गई और मंडल विधान भी हुआ। कार्यक्रम खूब प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। अब आज पूज्य माता जी का रत्नपुरी से अयोध्या की ओर पुनः मंगल विहार होगा और अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अभिषेक श्री अतुल जैन और राजकुमार जैन नई दिल्ली और श्री अनिल कुमार जी जैन प्रीत विहार दिल्ली संगपति परिवार। तो कलश ले लें हाथ में जल का। जैन इंद्रदेव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करु नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम क्लीम क्लीम हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल कानर बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मण के जल सम धवल है पीयु जल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सद रस हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई
धवल मंगल गानर बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामी ती स्वाहा इक्षुरस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पुण्य रस चुका है। हे नाथ या बब से करूँ रुचि थे मेरे वचन ते दाय नमः ओम ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कारण बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े थी से। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह इतना मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरगम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांग किरणोत्तम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहाय एकत्रित हुई का आशीर्वाद दीप पय हुआ प्रसमी अति मंगली के दस्य अब से करके तो लोग मंगलमय निशोक पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश हेला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वश मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह इतनात् मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बोपुणकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्न के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह इतनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः किम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रत चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महदारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तु व्योरोतारयामि इति मंगलारती ओतणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व लोकोपसर्पनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपनाशाय छामनामनाथ ओम राम जीम रूम रोम राय शौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य कुमार संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन
प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन सिद्ध सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवल नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन नितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन राजपुर रोड जैन राजी जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन सादरा श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली श्रीमती त्रिशला चंद प्रकाश जैन तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ सुधीर जैन ठेकेदार अनु रेखा जैन अंशुल जैन आंचल जैन सपरिवार वैशाली गाजियाबाद सपरिवारस्य न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायराम शरण्या सेठी टीमापुर कलकत्ता श्रीमती मकमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली अतुल जैन मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन अरमन इच्छा जैन प्रीत विहार दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्य अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्या जैन चितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रीति जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई सपरिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोहानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली हरक चंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से डॉक्टर आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा
उदयपुर राजस्थान, श्रीमती आशा पवनकाला जागृति प्रमोद अजमेरा नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी बदावत जयपुर राजस्थान, अलका जैन नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, जैन पाटनी, श्रीमती रेखा राकेश जैन, क्षमा निहारिका दिव्य जैन जगतपुरा रोड जयपुर राजस्थान, सपरिवार से श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवार से श्री राजकुमार जैन, श्री अतुल जैन कनॉट प्लेस भरत स्थली नई दिल्ली, सपरिवार से सर पूज का नाम, सर भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व दर्शनावरण कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व वेदनीय कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व मोहनीय कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व आयु कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व नाम कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व गोत्र कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व कर्म सिंधी बिन बिन, सर्व क्रोधम सिंधी बिन बिन, सर्व मानम सिंधी बिन बिन, सर्व मायाम सिंधी बिन बिन, सर्व लोभम सिंधी बिन बिन, सर्व मोहम सिंधी बिन बिन, सर्व रागम सिंधी बिन बिन, सर्व द्वेषम सिंधी बिन बिन, सर्व गर्वयम सिंधी बिन बिन, सर्व भयम सिंधी बिन बिन, सर्व अग्निभयम सिंधी बिन बिन, सर्व सर्पभयम सिंधी बिन बिन, सर्व युद्धभयम सिंधी बिन बिन, सर्व सागर नदी जलभयम सिंधी बिन बिन, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सिंधी बिन बिन, सर्व विद्यादि बंधनभयम सिंधी बिन बिन, सर्व अज्ञान दुर्घटनाभयम सिंधी बिन बिन, सर्व चक्रिका दुर्घटनाभयम सिंधी बिन बिन, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सिंधी बिन बिन, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सिंधी बिन बिन, सर्व वाष्पदानी विशोधक भयम सिंधी बिन बिन, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सिंधी बिन बिन, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सिंधी बिन बिन, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सिंधी बिन बिन, सर्व भूत पिशाच वंदर डाकनी साकिन्यादि भयम सिंधी बिन बिन, सर्व धनानि भयम सिंधी बिन बिन, सर्व व्यापार हानि भयम सिंधी बिन बिन, सर्व लाज भयम सिंधी बिन बिन, सर्व चोर भयम सिंधी बिन बिन, सर्व दुष्ट भयम सिंधी बिन बिन, सर्व शत्रु भयम सिंधी बिन बिन, सर्व शोक भयम सिंधी बिन बिन, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सिंधी बिन बिन, सर्व भयम सिंधी बिन बिन, दुर्भिक्षम सिंधी बिन बिन, सर्व मनोव्याधिम सिंधी बिन बिन, सर्व ध्यानम सिंधी बिन बिन, सर्व दुर्भाग्यम सिंधी बिन बिन, सर्व अयसा सिंधी बिन बिन, सर्व पापम सिंधी बिन बिन, सर्व सिंधी बिन बिन, प्रतिभायम सिंधी बिन बिन, सर्व कुमतिम सिंधी बिन बिन, सर्व भयम सिंधी बिन बिन, सर्व क्रूर ग्रहभयम सिंधी बिन बिन, सर्व दुःखम सिंधी बिन बिन, सर्व मृत्युम सिंधी बिन बिन। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराज वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याती क्षेत्रे विसंबत 2550 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधीमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहार कातरावसौकलां चतुर्विसंगस्य शान्तिं करोतु मंगलं तन्नो स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सर्वार्द्रम कुरु कुरु सर्वार्दिशुग्रादिनन् कुलेन कुले कद्दीघात्मणम घाते घाते आयुद्राके दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जिबलिय धर्मनाथ भगवान की जय। रत्नपुरी रौनाई तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामी ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिध बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं श्री सबदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्मी सत्यदंगर भ्यो नमः अर्घ्यम नृपामी स्वाहा। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकानंद सागर महाराज के चरणों में नृपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन बुद्ध बालक कर मेरा मन विपावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान जलार्जुन पामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। एक छोटा सा भजन चुल्लक जिन सागर जी बोलने की भावना है। चुल्लक जिन सागर जी, एक छोटा सा भजन। देवरो ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी आपके नवराही आगमन से मन कमल सा खिल गया। कष्ट तो आपको हुआ मगर गौराई नौराई में सबका बिल्कुल ये सब बहुत ही रत्नों की वर्षा इस नगरी में हो गई। जो अब नारी नारी बारी में बोलते हैं कि नारी अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। आज का जो नारी तीर्थंकर प्रभु को जगदंडन दे सकती है वो नारी अभिषेक प्रभु का कैसा नहीं कर सकती। ऐसा क्यों आजकल की विडंबना से नारी ने अधिकार गए। अधिकारों के दाता प्रभु भी अब तो मोक्ष सिधार गए। जो नारी चंदन वाला बन सकती प्रभु को पड़गाहन कर सकती वो नारी अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। ऐसा क्यों अरे चौके में तो माँ बहने भी भोजन शुद्ध बनाती है। अति अशुद्ध है तो वो कैसे काया शुद्ध बनाती है। अरे सम्यक्ति बन नारी वेद का छेदन तो कर सकती है। ऐसा क्यों व्यसनी पुरुष अभिषेक करे जबकि उनकी आदत गंदी। फिर क्यों सिलवती नारी पर कर दी सदी ऐसी पाबंदी। अरे सफेद साड़ी धारण कर जो महाव्रती बन सकती है अरे ऐसा क्यों वेदी शुद्ध कर सकती है। और पंच कल्याण में सब काम कर सकती है। घट यात्रा में घट लेकर क्यों तीर्थों का जल भरती है वो नारी सची बनकर प्रभु का पहला दर्शन करती है फिर अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। ऐसा क्यों अगर नारियां है अशुद्ध तो घट यात्रा में पुरुष चले वरना उनको उनका पूरा आगमोक्त अधिकार मिले उनको उनको अधिकार मिले। प्राचीन ग्रंथों का हमारे कोई तो मुझको आकर जो मुझको झुठला दे उसका अब जाऊंगा मैं चाकर। हम बन जाएंगे उसका बिल्कुल उनको आगम का सरो बता देंगे। जो नारी मरुद्रवी त्रिशला ऐरा वाता बन सकती है ऐरा माता बन सकती है धर्मनाथ भगवान की माता बन सकती है वो नारी अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। ऐसा क्यों जो माता हो अब जग जाओ वरना सर्वस्व गवा दोगी। आगे जिन अभिषेक की तरह दर्शन भी ना पाओगी। जो नारी अब हम कहते हैं कि आप जाग जाओ और अभिषेक करने को लगो ये हमारी ज्ञानमती माता जी का आपको सबको यह आज्ञा है प्रमाण के साथ है। आशीर्वाद जय जिनेन्द्र। अब पूज बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामी ने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनः पर्व की ओर चलेंगे। 16 कारण पर्व। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनायै नमः ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनायै नमः ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। पुनश्च रत्नत्रयव्रताद्वितीय दिवस
ओम ह्रीम अष्टविद सम्यक् ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अष्टविद सम्यक् ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेष्णे नमः। मध्यात्मा भगवान धर्मराज जो 15वें तीर्थंकर उनकी जन्मभूमि में आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम श्री धर्मराज जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री धर्मराज जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं इस जैसे कि रतनपुरी नाम से शास्त्रीय भाषा में है और व्यवहार में जिसे वर्तमान में रौनाही नौराही आदि के नाम से जाना जाता है, ऐसा एक पवित्र पावन तीर्थ है। यहाँ पर भगवान धर्मनाथ के चार कर्णारक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। आप ध्यान में रखेंगे ऐसे पवित्र पावन भूमि जन्मभूमि उसकी वंदना करके हम और आप स्वास्थ्य पुण्य का संपादन करते रहें। यहाँ जो चरण विराजमान है अति प्राचीन और एक मंदिर में भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा विराजमान है, अनेकों जन प्रतिमाएँ विराजमान है। मैं आपको अब ले चलूँ संक्षेप में 16 कारण भावनाओं की ओर, थोड़ा मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना में सबसे बड़ा उदाहरण है ज्ञान तप, ज्ञान तपोजन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावनम। ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, दिनेश भगवान की पूजा आदि अनुष्ठानों के द्वारा, मंदिर निर्माण आदि के द्वारा जो जैन शासन की प्रभावना है, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना है, भगवान ऋषभदेव के शासन की प्रभावना है, भगवान महावीर के शासन की प्रभावना है, वो सब धर्म प्रभावना है। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें हरिसेन चक्रवर्ती का, जो हरिसेन चक्रवर्ती हुए हैं उन्होंने वर्णन आया है कि कांपिल नगर में जन्म लेकर के चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके उन्होंने अपनी माता की भावनाओं को सफल करते हुए और अपने चक्रवर्ती पद का महान सदुपयोग करते हुए और उन्होंने गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में, पर्वत पर्वत पर इतने जिन मंदिर बनवाए, हजारों हजारों जिन मंदिर बनवाए और जिन मंदिर में रत्न की जिन प्रतिमाएँ विराजमान कराई। एक बार दशानन आकाश मार्ग से जा रहे थे और अपने दादा सुमाली से कहते हैं कि देखो नीचे पर्वत पर सरोवर नहीं है, कमल खिले दिख रहे हैं। तो उन्होंने इतिहास बताया कि भव्यात्मन सुन, ये पर्वत पर कमल नहीं है, ये भगवंतों के मंदिरों की ध्वजाएँ फहरा रही हैं, श्वेत ध्वजाएँ हैं फहरा रही हैं, हजारों हजारों मंदिर इस पर्वत पर बने हुए हैं, पर्वत पर्वत पर, नदी 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 के किनारे, नगर नगर में, डगर डगर में, जगह जगह अगणित जिन मंदिर बनवा करके खूब प्रभावना की है, जैन शासन की प्रभावना की है हरिसेन चक्रवर्ती ने। आज भी मैं देखती हूँ कि साधुगण, श्रावकगण धर्म प्रभावना के माध्यम से मंदिरों के निर्माण, तीर्थों के निर्माण, जिन मंदिर जिन प्रतिमा आदि के निर्माण आदि करके और असंख्यात गुणी पुण्य का संचय तो करते ही हैं, मार्ग प्रभावना नाम से सलाकरण भावनाओं में भी भाग करके और महान पुण्य का संचय करते हैं। एक जिन मंदिर का निर्माण, जिन प्रतिमा का निर्माण, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि सारे जीवन भर के तपश्चरण का पुण्य और अनंत कितने ही उपवास आदि को का पुण्य एक पल्ले में रखो और भगवान की एक प्रतिमा छोटी सी निर्माण का पुण्य एक तरफ, वो पल्ला भारी हो जाएगा। धनिया के पत्ती के बराबर मंदिर, सरसों के बराबर प्रतिमा बनवाने वाले भी महान पुण्य का संचय कर लेते हैं, ऐसा आचार्यों ने लिखा हुआ है। तो भव्यात्माओं विशाल विशाल प्रतिमाएं आज देखती हूँ मैं,
पर्वत को चीर कर मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर, जो 108 भगवान 108 फुट के भगवान प्रकट हुए हैं ऋषभदेव। ये बहुत बड़ी जैन शासन की प्रभावना। अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव 31 फुट के भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने विराजमान किए, जिनका अतिशय चमत्कार महान प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे अनेकों तीर्थों पर जो भगवंतों की जिन प्रतिमाएँ विराजमान है, आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में जो हैप्पी स्कूल के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भगवान 24 तीर्थंकरों से समन्वित सुंदर हिरिम विराजमान है, जिसमें रत्नों की जिन प्रतिमाएँ विराजमान है, 24 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। और भरत भगवान जो जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जो 30-31 फुट के विराजमान हैं भारत की राजधानी में, भव्यात्मानों से ये सब महान गौरव का विषय है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे अतुल जैन, राजकुमार जैन, जिन्होंने प्रतिमा को विराजमान करके महान पुण्य का संचय तो किया ही है और भारत की राजधानी दिल्ली का मस्तक ऊंचा किया है। भारत की राजधानी दिल्ली का मस्तक ऊंचा करके और सबको अभिजित करा दिया हमारे राष्ट्रपति आदि ने, जिसका गौरव किया है कि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ऐसी ऐसी प्रतिमाएँ जयवंत रहें। अब हम आपको ले सकते हैं आज प्रवचन निर्देशिका की ओर, संक्षेप में प्रवचन निर्देशिका, जिसका स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। सम्यक की उत्पत्ति के कारण तो आपने सुने हैं, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण माना गया है। जिन बिंब दर्शन, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, अंतरंग कारण तो कर्म का उपशम क्षय उपशम आदि है ही है, बहिरंग निमित्त बहुत बड़ा साधन कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा साधन है। ऐसे जिन बिंब के दर्शन से और दिगंबर जैन मुनियों के दर्शन आदि से, तिरंचों ने भी, पंचेंद्रिय तिरंचों ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके, अनुव्रत प्राप्त करके आगे चल करके तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त किया है। जहाँ ये साधन नहीं, कारण नहीं, वहाँ भी आचार्य ने बताया है देशनालब्धि में पूर्व जन्म के संस्कार देशनालब्धि में काम आते हैं। जहाँ तीन नरक के बाद चौथे पांचवें आदि नरकों में समेत के लिए कारण में बताया है देशनालब्धि में कि पूर्व जन्म में गुरुओं का प्रवचन सुना, कदाचित तो स्मरण में आ जाता है, देशनालब्धि का काम करता है। गुरुओं का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि आज हम आपको उपदेश सुना रहे हैं, आज आपको उपदेश काम में आए ना आए, लेकिन हमारी देशना, हमारा उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी न किसी जन्म में आपके काम आ जाएगा और आपके लिए वो संस्कार बन जाएगा, देशनालब्धि में कारण बन जाएगा। तो बात यही है, तो सम्यक के तीन भेद हैं। अब आज मैं आपको ले चलूँ सम्यक दर्शन के तीन भेद, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक, जो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के सैनी पंचेंद्री हो उनके सम्यक प्रकट होता है, वो औपसमिक सम्यक कहलाता है, प्रथमोपशम। पुनश्च उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त है। और क्षायोपसमिक सम्यक तो है जो औपसमिक सम्यक दर्शन के प्रकट होने के बाद दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, तीन हिस्से हो जाते हैं, मोहिनी, दर्शन मोहिनी, सम्यक सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति और मिथ्यात् प्रकृति, तीन टुकड़े हो जाते हैं। इन तीनों के उपशम से और अनंतानुबंधी कषाय की चार के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो औपसमिक है। और इसमें जो सम्यक प्रकृति का जिसमें उदय रहता है, जो दर्शन मोहिनी का एक भेद रूप सम्यक प्रकृति है, उसका जिसमें उदय हो और
मिथ्यात् प्रकृति और समय मिथ्यात् प्रकृति और अनंतानुबंधी की चार इन छह प्रकृतियों का जिसमें क्षयोपशम हो वो क्षयोपशम समय दर्शन कहलाता है। आज वही समय दर्शन, इसका दूसरा नाम वेदक समय दर्शन भी है। आज हमें और आपको जिसको भी समय दर्शन है ये यही वेदक समय दर्शन है, ध्यान रखें। क्योंकि अंतर्मुहूर्त उपशम समय का काल ही अंतर्मुहूर्त और छाई समय के लक्षण की व्याख्या है जो इन सातों प्रकृतियों के दर्शन मोहिनी की तीन अनंतानुबंधी की चार सातों प्रकृतियों के क्षय से विनाश से सरसा अभाव से प्रकट होता है वो छाई सम्यक दर्शन। वो केवली अथवा सुरकेवली के पाद मूल में ही होगा। तो आज पंतम काल में ये छाई सम्यक दर्शन है ही नहीं, किसी को हो ही नहीं सकता है। और छाई सम्यक दर्शन लेकर के पंचम काल में जन्म भी नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ छाई सम्यक दर्शन नहीं है। हमें और आपको जिनको भी सम्यक दर्शन है सब क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। और सम्यक प्रकृति के उदय का इसमें बताया है कि चलमलि नगाड़ कचाचित दोष लग जाया करते हैं। चलमलिन मगाड़म तम वेदक सम्यक का लक्षण क्या है, सम्यक प्रकृति के उदय से जिसमें चलमलि नगाड़ अधिक दोष लग जाए वो वेदक सम्यक दर्शन है। तो भव्यात्माओं आज हमें और आपको यही है। और श्री गौतम स्वामी की वाणी में हम और आप देखेंगे जो उन्होंने कहा है, निसंख्य निकंख्य निविगिंठा अमीण दिठीय उगुहण श्रीकर्णम बच्छल पहावना चेदी बच्छल पहावना चे अठ निसंकित निकांक्षित निर्चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना इन आठ अंगों से सही सम्यक दर्शन आचार्य ने माना है। इन आठ अंग की व्याख्या रत्नग्रंथ शौकाचार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में विस्तार रूप से की गई है। दीनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निसंकित अंग है। वर्तमान में भोगों की आकांक्षा नहीं करना, निदान आदि नहीं करना निकांक्षित अंग है। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके क्योंकि स्नान नहीं करते, स्नान नाम का व्रत है, ग्लानि आदि नहीं करना। निर्जिकित्सांग उनके रत्नत्र गुणों में प्रीति करना निर्जिकित्सांग है। अमूर्त दृष्टि मूर्छा को नहीं प्राप्त होना, अनेक प्रकार के कुछ भी ऐसे प्रभाव कार्य देख करके मूर्छा को नहीं प्राप्त होना, स्थितिकरण उपगुहन किसी भी धर्मात्मा के द्वारा कोई दोष हो जाने पर उसे माता के समान छिपा करके उसकी रक्षा करना और उसे स्थितिकरण धर्म में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना आदि सम्यक दर्शन से सम्यक चारित से डिगते हुए कोई उस पर स्थिर कर देना स्थितिकरण। और वात्सल्य गाय जैसे अपने बछड़े में प्रेम करती है ऐसे धर्मी जनों से साधर्मी जनों से प्रेम करना प्रीति करना वात्सल्य अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। सयुथान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति जैसा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते वात्सल्य का महिमा आज हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अनादि परंपरा है, जो धर्म के उन्नति करने वाले को देख कर कदाचित ईर्ष्या भी करने लगते हैं, विद्वेष भी करते हैं और उनकी झूठी साची निंदा भी करने लगते हैं। धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा में इतना प्रेम होना, इतना वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़े, ये वात्सल्य अंग आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते कि धर्मात्माओं के प्रति अगर माथा सिकुड़ गया आपका, उनमें जरा अप्रीति हुई तो समझ लो कि जो है तुमने वात्सल्य अंग का पालन नहीं किया। हमेशा वो वात्सल्य अंग पालन करने की शिक्षा देते थे, यही कारण था कि उस समय आज से 50 वर्ष पूर्व भव्यात्माओं सन 1955-56 की बात है, 57 की बात है, हमने पाया है आचार्य श्री में इतना वात्सल्य था
कि संघ के साधु कोई भी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और उस समय एक ही संघ था आचार्य श्री वीरसा जी महाराज का, और कोई संघ ही नहीं थे। धीरे धीरे परंपरा आज हम देखते हैं संघों में है और वात्सल्य है। जब भी बड़े बड़े संघ विस्तृत बड़े बड़े विशाल संघ देखे जा रहे हैं, मुनियों के संघ, आरिकाओं के संघ, चतुर्विद के संघ, ये भी वात्सल्य। जब चिंतन आता है कि जिस दिन लंका में रावण की मृत्यु हुई है उस दिन सायंकाल में 56,000 आकाशगामी ऋद्धिधारी मुनि एकदम वहाँ पहुँच गए। आचार्यों ने लिखा है कि अगर वो कुछ क्षण पहले आ गया होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण और लक्ष्मण में समय आपस में संधि हो जाती, लेकिन ऐसा योग नहीं होता है, जो होनहार होती उसको टाल नहीं सकते। भक्तविता तो संघ देर से पहुँचा वहाँ, 56,000 मुनियों का संघ। हम और आप चिंतन करें, 48,000 महिलाओं ने, रानियों ने दीक्षाएं ली है, हारिका की दीक्षा, हजारों हजारों राजपुत्रों ने और जनता ने दीक्षा ली है, मुनि बने हैं, इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि भी मुनि बने हैं। जैन रामायण के अनुसार इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है बड़वानी से। तो भव्यात्माओं बात यही है, यह संघ की परंपरा। हम समय शिखर महात्म नाम से पुस्तक को पढ़ते हैं तो आनंद आता है कि हजारों हजारों लाखों लाखों मुनियों के चतुर्विद संघ के लेकर के बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने समय शिखर आदि की यात्राएं कराई हैं, विहार कराए हैं। तो बात यही है, आज भी संघ की परंपरा देखी जा रही है, संघ बने हैं, ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। तो बात यही है, वात्सल्यंग और अहिंसा परमो धर्म, जैन शासन, और जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु का प्रति अकाट श्रद्धान होता है वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीवादि सात तत्वों का सिद्धांत तो करता ही करता है, तत्वार्थ सिद्धांत और सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार से उनकी व्याख्या की है आचार्यों ने। अत्यागम तत्यानम सहदय नादो हवई सम्मतम, आप त्यागम और गुरु का श्रद्धान करना, देव सात गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सात तत्वों के अंदर जीव तत्व में चतुर्विद संघ मुनि आरिका आदि आ जाते हैं, और बहिरात्मा अंतरात्मा आदि के भेद को समझ करके अंतरात्मा, अपने को अंतरात्मा बनाना, बहिरात्मा अवस्था को छोड़ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते हुए और आठ अंग सहित समय दर्शन को धारण करना। आज इस पंचम काल में मैं समझती हूँ कि जिनके हमें और आपको यदि समय दर्शन प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए हमारे लिए पंचम काल भी सर्वस्व सर्वश्रेष्ठ महान बन गया। हमारे लिए पंचम काल अभिशाप और वरदान न, अभिशाप न होकर वरदान बन गया। अनंतानंद काल हो गए संसार में परिभ्रमण करते हुए। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते, और आज पंचम काल में यदि सम्यक दर्शन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सर्वस्व मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। और समझ लीजिए दो चार भाव में निश्चित ही हम और आप संसार का अंत करके 84 लाख योनियों के दुखों से छूट कर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में निश्चित ही सफल होंगे। जो भव्यात्मा जैन शासन की प्रभावना में कार्य करते हैं, वात्सल्य अंग धारण करते हैं, आज हम देखते हैं चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, सर्वत्र बड़ी बड़ी जिन मूर्तियाँ विराजमान करके, मैं नेमिसार महाराज का रोज मंत्र बुलवाती हूँ, आचार्य श्री वीर सागर जी और नेमिसार जी महाराज ने मुनि दीक्षा के साथ ली थी, इसलिए मुनि दीक्षा सहित शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और नेमिसार महाराज ने मुंबई को तीर्थ बना दिया,
मुंबई में भगवान ऋषभदेव भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके, और जो उन्होंने पोदनपुर तीर्थ बना दिया, और उसी तीर्थ के दर्शन की भावना को लेकर के मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। और वर्षा योग का चतुर्मास का योग भी लोगों के आग्रह से हो गया, और मुंबई का चतुर्मास भी अद्भुत और प्रभावना से संपन्न हुआ अभी 2017 का। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और वहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी, रौनाही, ये सब क्षेत्र जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना होती रहे, जैन शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का नाम सारे विश्व में प्रभावना के साथ फैले। और सारे विश्व में अभी भगवान ऋषभदेव की जयंती आ रही है, चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती, आप और हम सब मिलकर के, पूरी जैन समाज के लोग मिलकर के, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हुए भगवान ऋषभदेव के नाम को सारे विश्व में पहुँचाएँ। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, भगवान पांच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, इसी भावना के साथ अयोध्या को और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि, इस रौनाही तीर्थ को, रतनपुरी तीर्थ को नमन करते हुए और भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यत्राशीषः सदा पित्रो यत्र च स्मर्यते गुरुः, यत्र कर्तव्यनिष्ठा स्यात् तत्र सौख्यं च संपदा। भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, उसके साथ साथ अपनी व्यवहारिक क्रियाओं में, जहाँ पर जिस घर के अंदर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस घर के अंदर गुरु का सदैव स्मरण किया जाता है, जहाँ कर्तव्य निष्ठा होती है, उस घर में सुख और संपत्ति निश्चित रूप से ही वास करती है। इसलिए हमेशा आप सब माता पिता के आशीर्वाद को सर्वोपरि रखें और गुरु के आशीर्वाद को अपने मस्तक का गुण, या यूँ समझें अपने मस्तक का मुकुट स्वीकार करें, अपने कर्तव्य का सदैव ध्यान रखें, गुरु निंदा अपने घर के अंदर कभी भी ना होने दें, क्योंकि गुरु निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए गुरुओं के नाम को हमेशा स्मरण रखें तो सुख